बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवन गौड़ा पाटिल यत्नाल के एक बयान से कर्नाटका में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ हुबली में मंच पर मौजूद मौलाना तनवीर पीर पर यत्नाल ने सवाल उठाए। यत्नाल ने कहा कि तनवीर पीर का संबंध मिडिल ईस्ट के आतंकी संगठन से है, यानी ISIS से। ऐसे लोग मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ मंच पर थे। यत्नाल ने तनवीर पीर की सिद्धरमैया के साथ तस्वीर शेयर की, साथ में एक और तस्वीर जिसमें तनवीर पीर के साथ एक सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहा है और तस्वीर ईरान की बताई जा रही है। तनवीर पीर ने किसी भी आतंकी संगठन से अपने संबंधों को इनकार किया और यत्नाल से माफी मांगने को कहा, और यह भी कि अगर यत्नाल ने माफी नहीं मांगी तो वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। तनवीर पीर का कहना है कि जो तस्वीर यत्नाल ने शेयर की है वो ईरान की है और वो एक धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेने कुछ साल पहले वहां गए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी यत्नाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सिद्धरमैया ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब तक मौलाना तनवीर पीर के आतंकी संगठन के साथ संबंध की जांच क्यों नहीं कराई गई? अब भी जांच बीजेपी करवा सकती है। सिद्धरमैया का कहना है कि वो तनवीर पीर को सालों से जानते हैं और यत्नाल का बयान बेबुनियाद है। यत्नाल ने केंद्र से अपील की है कि NIA मौलाना के आतंकी संगठन से संबंधों की जांच करे। यत्नाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तस्वीर मौलाना तनवीर पीर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की तो कांग्रेस ने मौलाना तनवीर पीर और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तस्वीर जारी की, साथ में JDS नेता कुमारस्वामी के साथ भी। कर्नाटका कांग्रेस की तरफ से यत्नाल से पूछा गया है कि इन तस्वीरों के बारे में उनकी क्या राय है। वैसे यत्नाल कर्नाटका में अपने बगावती तेवर के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने अपनी ही पार्टी BJP के लिए परेशानी खड़ी कर दी, कभी येदुरप्पा के खिलाफ बयान तो कभी कुछ और। येदुरप्पा के बेटे विजेंद्रा को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और R Ashok को विपक्ष का नेता बनाए जाने से भी यत्नाल खासा नाराज हैं। यत्नाल ने कहा कि दोनों पदों पर दक्षिण कर्नाटका के नेताओं को तरजीह दी गई है, उत्तर कर्नाटका की उपेक्षा की गई है। यत्नाल की नज़र विपक्ष के नेता पद पर थी। वो इन दिनों अपनी पार्टी BJP से खासा नाराज हैं। ऐसे में उनकी बयानबाजी से BJP भी परेशान है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।